अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो फॉर द सब्जेक्ट ऑफ SST वी आर स्टडीइंग लाइफ इन द कोस्टल रीजन्स, चैप्टर नंबर 10। एंड इन दिस चैप्टर वी डिस्कस्ड, दो हिस्सों में डिवाइडेड है कोस्टल एरियाज, वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स और ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स में। वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स में हमने कुछ एरियाज पढ़े, गुजरात, केरला, गोवा, लक्षद्वीप आइलैंड्स। अब हमें पढ़ना है आज ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, उसमें भी कौन कौन से एरियाज आते हैं, क्या लाइफ स्टाइल है वहाँ के लोगों का। ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स, इनमें से भी बहुत सारी स्टेट्स आती हैं। कुछ स्टेट्स के नाम हमें यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कन्याकुमारी, और आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये पूरा एरिया कंप्राइज करता है ईस्टर्न कोस्टल रीजन। हम आज पढ़ेंगे पुडुचेरी के बारे में, जो कि ईस्टर्न कोस्टल एरिया में है। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है जो तमिलनाडु के साउथ साइड से लोकेटेड है। पहले इसको पुडुचेरी बोला जाता था। फ्रेंच यानी कि फ्रांस जब यहाँ आए थे, फ्रेंच लोग, उन्होंने इस जगह पे बहुत टाइम तक रूल किया था। ये हमें मिलती है कोरोमंडल कोस्ट पे। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ से है? चेन्नई के साउथ साइड से। कोरोमंडल कोस्ट पे हमें ये जगह मिलती है। जैसे हमें बाकी जगहें कुछ कोस्ट पे मिली, केरला मिली, मालाबार कोस्ट पे, वैसे हमें ये जगह मिलती है कोरोमंडल कोस्ट पे। औरोबिंदो आश्रम इस जगह पे लोकेटेड है। औरोबिंदो आश्रम में योगा प्रैक्टिस की जाती थी बहुत टाइम से। और एक जगह वहाँ पे है औरोविली। औरोविली बहुत फेमस है, किस लिए? मैत्री मंदिर के लिए। ये मेन सिटी है पुडुचेरी की। औरोविली में बहुत ही यकजाहत है लोगों में, काफ़ी ह्यूमन यूनिटी है। वहाँ के लोग मेनली फार्मर्स है, रूरल एरियाज़ में फार्मर्स है। और वो कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं? राइस, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कोकोनट्स। वहाँ के लोग बहुत सारी लैंग्वेज में बात करते हैं। कुछ लैंग्वेज है जैसे कि तमिल, तेलुगु या फिर फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच लोग भी वहाँ पे रूल करते थे, और मलयालम। ओके, दिस इज़ इट फॉर द डे। आप बच्चा इस टॉपिक की रीडिंग कीजिएगा, पुडुचेरी, ऑन पेज नंबर 57। ओके, और आपको काम भी मैं सेंड कर रही हूँ, वो दो क्वेश्चंस भी आप लिखिएगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।